डर डर और डर। मैथमेटिक्स के बाद हम लोग को जिससे डर लगता है वो है हमारा फिजिक्स। अब यार दो टाइप के बच्चे होंगे यार, सबसे पहले बच्चे वो जिनको न्यूमेरिकल से बहुत प्यार होता है, और दूसरे वो जिनको न्यूमेरिकल से लगता है डर। तुम्हारी दीदी भी उसी कैटेगरी में आती थी, तो आज मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रही हूँ। सो ही एवरीवन, दिस इज सकिनारी, और कैसी बचपटी आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, और साथ ही साथ मैंने इलेक्ट्रिसिटी के पूरे फॉर्मूलाज लेकर आई हूँ, तुम लोग के दो पेजेस में कवर कर दिए। तो ये पीडीएफ मैं तुम लोग को भेज दूंगी आप लोग के टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेंथ के न्यूमेरिकल स्टफ नहीं है, बस हम लोग को क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दो महीने बाद हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। मैंने आप लोग के टोटल सारे फॉर्मूलाज आप लोग को लिख दिए हैं। तो अगर बात करूं मैं सबसे पहले फॉर्मूला की, तो क्यू इज इक्वल टू एनी, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम लोग ने चार्ज पढ़ा था। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो हम लोग ने पढ़ा था जब हमारा करंट होता है। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। दीदी दीदी रुको रुको, हमें दीदी न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता, हम लोग को लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा। सो बच्चा सबसे पहले तुम लोग को किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए गिवन लिख लिया करो, तो तुम लोग को समझ पड़ जाएगी मुझे इतनी चीजें गिवन है। अब तुम लोग को ये लिखना है कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, तो टू फाइंड वाली चीजें तुम लोग उसके बाद लिख लिया करो। जैसे ही तुम टू फाइंड लिखते हो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीजें फाइंड करनी और इतनी चीजें गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो कि कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। इतने फॉर्मूले हम लोग ने सभी चीजें पढ़ी है, अब ये देखो कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट आउट होगा। तुम लोग को अगर समझ में आ जाएगा ऐसे ये चीजें दी है, तो इसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब बहुत सी बार ऐसी चीज होती है कि दीदी हमसे फॉर्मूला कुछ थोड़ा तो सॉल्व होता है, आगे हमें नहीं पता कि कौन सी स्टेप्स होगी, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक नहीं दो दो फॉर्मूला लगते हैं। आधा ये मतलब इस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, उसके बाद हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। उस टाइम पे क्या करोगे बच्चा, इस टाइम पे तुम्हारे काम आएगी सेल्फ स्टडी। जितनी चीजें तुम प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीजें तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हारी ये चीजें क्लियर होती जाएगी। अब समटाइम्स क्या होता है, सेल्फ स्टडी करते करते दीदी हमारे पास कोई एक न्यूमेरिकल ऐसा फंस जाए आता है कि जिसका हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आगे कैसे सॉल्व होगा, मैं इस स्टेप पर अटक गई हूं। उस टाइम पे ना तो मेरे पास कोई टीचर है जो मेरी चीजों को सॉल्व कर पाए, तो उस टाइम पे तुम्हारा साथ देगा बेटू या फीलो ऐप, जो कि तुम लोग को 60 सेकंड्स के अंदर अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। कैसे सॉल्व कर देगा, तो फीलो एप्लीकेशन पे जैसे तुम कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो ना, कोई एक न्यूमेरिकल था जिसमें तुम्हें नहीं समझ में आया कि दीदी ये फॉर्मूला मैंने लगाया इसके बाद क्या करूं, तो उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और फीलो पर भेज दो। 60 सेकंड्स के अंदर अंदर एक ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहा होगा, जो लाइव वन टू वन इंटरेक्शन के थ्रू तुम्हें वीडियो कॉल पर समझा रहा होगा कि तुमने क्या गलती करी इस न्यूमेरिकल में, और आगे तुम्हें किस तरीके से यहाँ सॉल्व करना है। और जो मेरा न्यूमेरिकल तुम्हें नहीं आ रहा है ना, वो न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करके भी दिखा देंगे। तुम्हें एक बार नहीं समझ में, तुम लोग दो या तीन बार भी पूछ सकते हो। तो यार मैंने फीलो एप्लीकेशन की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इस तरीके से तुम लोग फीलो एप्लीकेशन पर पूछ सकते हो अपनी सभी चीजों को, अपना कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, सभी चीजें तुम लोग फीलो एप्लीकेशन पर पूछ सकते हो। इस टाइप से क्या होगा बच्चा बाटी की, तुम्हारी जो भी चीजें जहां तुम अटक रहे हो ना, तो वो प्रॉब्लम तुम आगे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे कि इस न्यूमेरिकल को मैं कल सॉल्व करूंगा, परसों सॉल्व करूंगा, हाथों हाथ तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं बात करूं आगे तुम्हारे किस किस फॉर्मूले पर तुम्हारे न्यूमेरिकल डिपेंड है, तो वी इज इक्वल टू आई, ये हमारा होता है ओम्स लॉ, इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चा पार्टी, तो तुम लोग उसको देख लेना। आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास होता है। अब मेरे पास रेसिस्टेंस में दो चीजें होती है, सीरीज और पैरेलल, तो ये सीरीज का फॉर्मूला, एस मतलब सीरीज, पी मतलब पैरेलल, तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है। अब आप लोग को पता है हीट को हम लोग ने बहुत तरीके से डिवाइड किया था, हीट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। जब तुम लोग को हम लोग को वी क्यू मतलब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दिया हो और क्यू दिया हो, तो तुम लोग ये लगा सकते हो। दूसरा तुम्हारे पास होता है वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी बाय आर, तो चार तुम्हारे पास हीट के ही फॉर्मूले है, तो तुम लोग हीट के फॉर्मूले से आराम से पावर के फॉर्मूले निकाल सकते हो। हीट की हमारी यूनिट होती है जूल और पावर की यूनिट होती है हमारी ऐसा यूनिट वॉट। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दे रही हूँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो तुम लोग को इसकी, यार मैंने इस बार ना एक चार्जेस रखा है इसका, आप लोग की इस पीडीएफ का चार्जेस में तुम लोग का सिर्फ इतना चार्जेस है कि तुम लोग को मेरी वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर करना है। अब लाइक तो तुम लोग यार कोई एक बच्चा एक लाइक ही कर सकता है, पर शेयर करने में तुम कंफ्यूज मत करना, तुम एटलीस्ट 5 से 10 स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो, जिससे कि ये मेरा चार्ज फुलफिल हो जाएगा। तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए इतनी सारी एफर्ट्स लगा रही, तुम इतनी चीजें कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, बिकॉज तुम लोग को मुझसे कनेक्ट रहना है और अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकिनारी साइनिंग ऑफ।